ओके डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ आवर सब्जेक्ट ऑफ आवर कोर्स मेकाट्रॉनिक्स अच्छा इसके पहले जो हमने एक वीडियो आ, देखा था दैट वाज अ ब्रीफ अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू आवर सब्जेक्ट हमारा जो सब्जेक्ट है उसके बारे में हमने उसके अंदर इंट्रोडक्शन देखा था हमने बहुत शॉर्ट में देखा था कि एक्चुअली हम इस सब्जेक्ट में कौन कौन से यूनिट्स कवर करने वाले हैं है ना हमारे सब्जेक्ट में क्या क्या हमें mm -hmm. पढ़ना है उसके बाद वी ऑल्सो डिस्कस्ड द स्कीम ऑफ आवर कोर्स एंड द पेपर पैटर्न ऑफ आवर कोर्स जो यूनिवर्सिटी की तरफ से पेपर होता है वो उसका पैटर्न कैसा होता है राइट right? ये सब तो हमने हमारे इंट्रोडक्टरी पार्ट में डिस्कस किया था नाउ मूविंग फॉरवर्ड एंड कमिंग टू द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ आवर सब्जेक्ट मेकाट्रॉनिक्स लेट अस स्टार्ट विथ अ वेरी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एंड डेफिनेशन अबाउट मेकाट्रॉनिक्स हम बात करते हैं मेकाट्रॉनिक्स की जब हम कहते हैं कि मेकाट्रॉनिक्स तो नाम इट्स सेल्फ सजेस्ट ये जो नाम है मेकाट्रॉनिक्स दैट इट्स सेल्फ सजेस्ट कि मेका मतलब कि मैकेनिकल और ट्रॉनिक्स मतलब कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा है मेकाट्रॉनिक्स सो मेकाट्रॉनिक्स इज नथिंग बट इट इज अ कंसेप्ट है ना हम इस बात को ऐसा नहीं समझेंगे कि मेकाट्रॉनिक्स मतलब कि uh, कुछ नया है मेकाट्रॉनिक्स एक कंसेप्ट है और ये जो कंसेप्ट है दैट हैज बिन डेवलप्ड इन जापान बाय अ जापानीज इंजीनियर तेत्सुरो मोरी है ना जो uh, एक सीनियर इंजीनियर थे that is tetsuro mori in a company yasukawa in 1969 japan based company yasukawa in 1969 mein a uh, japanese engineer tetsuro mori ne is concept ko introduce kiya tha jab tetsuro mori company mein work kar rahe the तब उन्होंने इस concept को लाया उनके ध्यान में आया कि जहां हम mechanical components को इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में अगर हम कंबाइन कर दें तो हमें बहुत सारा हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आसानी हो हो सकती है तो इन दैट केस ही कॉइंड दैट वर्ड उन्होंने तेसरो मोरी ने इस वर्ड को सबसे पहली बार 1969 में कॉइन किया था मेकाट्रॉनिक्स उन्होंने इस कंसेप्ट को पहली बार कहा था और ये जो मेकाट्रॉनिक्स है दैट इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का दोनों का भी कॉम्बिनेशन मेकाट्रॉनिक्स है नाउ अगर हम और डिटेल में बात करें तो मेकाट्रॉनिक्स एक्चुअली जब तेसरो मोरी ने इसे कॉइन किया था तब हम समझ सकते हैं कि वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों कंसेप्ट का कॉम्बिनेशन था लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई इन इंजीनियरिंग सेक्टर वैसे वैसे नाउ मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर ऑल दिस स्टार्टेड जॉइनिंग और इनको जब हम कंबाइन करके वर्क कर रहे हैं तब एक्चुअली वो मेकाट्रॉनिक्स हम वर्ड कॉइन कर रहे हैं राइट right? तो अब हम क्या समझ सकते हैं कि जब एक्चुअली मेकाट्रॉनिक्स कॉइन हुआ था तब इट वाज़ Only combination of mechanical and electronics, like in further advancement led to the combination of electrical communication, computer, also. Right, so very first we uh, say that the word, word mechatronics is composed of mecha from mechanical and tronics from electronics. So that is a very short description of mechatronics, right. Now, moving forward, when we technically define mechatronics, we have different definitions defined by various sections, various sectors. The very first definition is mechatronics is a synergetic integration of me mechanical. So, Mechatronics is synergetic Integration of Mechanical Engineering, Electronics Engineering, Control Engineering and Computer Science. More technically we define Mechatronics as a Synergistic Integration of Mechanical in Engineering, Electronics Engineering, Control Engineering and Computer Science. Right? Next, moving forward we have another definition of Mechatronics as मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इज द डिज़ाइन ऑफ कंप्यूटर कंट्रोल इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम्स कंप्यूटर कंट्रोल्ड इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम्स मैकेनिकल सिस्टम्स आर इंटीग्रेटेड विथ इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स एंड दे आर कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर्स रिमेंबर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम देखेंगे कि हमारे इलेक्ट्रो मकैनिकल सिस्टम्स को कंप्यूटर किस तरह से कंट्रोल करता है कौन कौन से हमारे इनपुट डेटा है क्या आउटपुट डेटा है राइट right? सो so, एक डेफिनेशन हमारी हो चुकी है हमारा एक और डेफिनेशन एंड और सिंपल वे में हम डिफाइन कर सकते हैं मेकाट्रॉनिक्स एज अट्रॉनिक सिस्टम इज़ अ कंप्यूटर कंट्रोल्ड मैकेनिकल सिस्टम एक मैकेनिकल सिस्टम को कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा है दैट इज़ नथिंग बट अ मेट्रॉनिक सिस्टम राइट right? बहुत शॉर्ट में हम इतना ही डिस्कस कर सकते हैं कि किसी भी मैकेनिकल सिस्टम को फिजिकल सिस्टम को अगर कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा है तो दैट इज नथिंग बट अ मेकाट्रॉनिक सिस्टम राइट सो वी हैव डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ मेकाट्रॉनिक्स नाउ मूविंग फॉरवर्ड एज वी हैव ऑलरेडी स्टेटेड दैट मेकाट्रॉनिक्स इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एक एनर्जी मैकेनिकल कंपोनेंट्स मैकेनिकल सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रिकल सॉफ्टवेयर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन सब का कॉम्बिनेशन हमें मेकाट्रॉनिक्स देता है ये जब सब ब्रांचेस के कॉम्बिन कॉम्बिनेशन को हम यूज़ करते हैं तो दैट कॉम्बिनेशन गिव्स में मेकाट्रॉनिक्स तो हम कह सकते हैं कि मेकाट्रॉनिक्स इज़ नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कम कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर मूविंग फॉरवर्ड मेकाट्रॉनिक्स को हम जैसे जैसे जिस भी कंपोनेंट्स के साथ यूज़ कर रहे हैं हम जिस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं उसके बेस पे हम उसके यूजेस हम उस आ, हम इन कोर्सेज का इंटीग्रेशन करते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम मेकाट्रॉनिक्स को ऑटोमेटिव सेक्टर में यूज करते हैं मैक्सिमम केसेस में इवन हमारा जो कुछ भी कोर्स की स्टडी होगी दैट विल बी प्योरली बेस्ड अपॉन द स्टडी ऑफ मेकाट्रॉनिक्स ऑन ऑटोमेशन दैट इज इन इंडस्ट्रीज व्हेन वी व्हेन वी टॉक अबाउट मैन्युफैक्चरिंग सम प्रोडक्ट राइट तो हम एक कह सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ मेकाट्रॉनिक्स इज इन द फील्ड ऑफ ऑटोमोटिवस ऑल्सो मेलेट्रॉनिक्स इज यूटिलाइज इन एरोस्पेस इन मेडिकल सेरोग्राफी डिफेंस सिस्टम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल प्रोसेसिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा राइट अब अगर बात करें हम ऑटोमोटिव में तो बहुत सीधी सी बात है कि इन दिस प्रजेंट एरा एवरी इंडस्ट्री इज ट्राइंग टू ऑटोमो ऑटोमेट इट्सैल्फ ऑटोमेशन इज द रीसेंट ट्रेड हम बात सुनते हैं आ, इंडस्ट्री फोर पॉइंट जीरो की हम बात सुनते हैं आई ओ टी की हम बात सुनते हैं आई आई ओ टी की राइट right ना इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स की ऑल दिस आर नथिंग बट मेकाट्रॉनिक्स विच आर बिंग यूटिलाइज इन ऑटोमोटिव सेक्टर्स एरोस्पेस की बात कर लें तो क्या हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा एरोस्पेस है उसके अंदर द होल कॉम्बिनेशन इज वर्कड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर कंट्रोल्ड मेकेनिकल सिस्टम्स विद द हेल्प ऑफ सम इलेक्ट्रिकल पार्ट्स सो दैट इज़ अगेन वो भी तो कह सकते हैं हम दैट इज अ मेकेनिकल सिस्टम मूविंग अमेकट्रॉनिक सिस्टम मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छे से हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मेडिकल फील्ड में अगर हम एम आर आई मशीन ले लें राइट right ना एम आर आई मशीन क्या होती है हमारे बॉडी को जो न्यूरॉन्स के अंदर के प्रॉब्लम चेक करने के लिए हम जिस मशीन को यूज करते हैं दैट इज नथिंग बट एम एम आर आई मशीन एंड दैट एम आर आई मशीन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मेकाट्रॉनिक्स देन वी हैव वी आर यूजिंग ऑल दिस इन डिफेंस सिस्टम वी यूज देम इन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स मैनी मैनी ऑफ द कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में हम इन्हें यूज करते हैं बाद में हम मैनुफैक्चरिंग के लिए भी यूज करते हैं मटेरियल प्रोसेसिंग के लिए भी हम यूज करते हैं मूविंग तो, फॉरवर्ड कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि मेक्ट्रॉनिक्स के एग्जाम्पल्स हो क्या सकते हैं फोटो फोटो कॉपियर मशीन राइट ना बेस्ट एग्जाम्पल फोटो कॉपियर मशीन हमारी जेरोक्स मशीन होती है हम सिंपल टर्म्स में उसे जेरोक्स मशीन कहते हैं जेरोक्स मशीन हम आ, जो कुछ भी हमें कॉपी कर, करना है दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड दट इज इंसर्टेड समवेयर एट दिस पॉइंट और उसके बाद हमें उसका फोटो कॉपी मिलती है अब क्या हम कह सकते हैं कि एग्जैक्ट रेप्लिका हमें तैयार होके मिल रहा है तो दैट मीन्स देर इज सम ऑटोमेशन और इसके अंदर जो कुछ भी होता होगा वो कुछ सेंस करके और प्रोड्यूस होता होगा और इतने फास्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर एंड मकैनिक सिस्टम राइट ना ऑल जो कंपोनेंट्स है ये तो मैकेनिकल सिस्टम है और मैकेनिकल सिस्टम्स के अंदर इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर कंट्रोल राइट ना कुछ कंट्रोल पैनल्स के ऊपर कुछ बटंस होते हैं दैट बटन्स हैज़ टू बी प्रेस्ड और उसके बाद आ, कुछ इनपुट दिया जाता है इनपुट देने के बाद हमें प्रोडक्ट्स बाहर निकलते हुए मिलते हैं दैट इज अ अरॉक्स कॉपी तो क्या हम कह सकते हैं कि फोटो मशीन या फिर जेरोक्स मशीन इज नथिंग बट अ एग्जाम्पल ऑफ हम इलेक्ट्रॉनिक्स आगे बढ़ें और हम बात करें तो अगेन द मॉडर्न स्विंग मशीन आजकल पुरानी के पुराने जमाने की स्वीविंग मशीन कैसे होती थी कि द वन हु स्टीचेस वुड सिट एंड उसको एक पेडल होता था पेडल को जब ऐसे ऐसे अपने पैर से मोशन में लाया करते थे तो उसके बाद उसका जो फ्लाईवील है वो फ्लाईवील मूव होता था एंड दैट मोशन ऑफ द फ्लाई व्हील वॉज कपल्ड टू अ नीडल हैविंग अ थ्रेड इन इट राइट और उसके बाद वो स्टिच करता है इसके अंदर कहीं पर भी हमें जो पुरानी वाली स्विंग मशीन थी उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट नहीं था राइट right? अब अगर हम रिसेंट बात करें तो जनरली जो एकदम सादी स्विंग मशीन मिलती है उसमें भी एक मोटर कपल होता है मोटर का जैसे ही हम स्विच uh, ऑन करते हैं इट स्टार्ट्स नहीं नहीं। पेडल पे एक स्विच दी हुई होती है उस पेडल के स्विच को जब हम प्रेस करते हैं तो द मोटर स्टार्ट्स रनिंग एंड द मोशन ऑफ द मोटर इज कपल टू अगेन नीडल राइट ना जो हमारा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ sewing मशीन है वो सेम है उसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है चेंज हुआ है तो सिर्फ इतना कि मैनुअल मोशन ऑफ द पेडल की जगह पे रिप्लेस हो चुका है एक मोटर और मोटर का जो भी मोशन है उस मोशन को हमने कपल कर दिया है नीडल के रेसिप्रोकेटिंग मोशन में राइट right? ये तो हो गई जनरल सीविंग मशीन की बात अब हम थोड़ा सा और एडवांसमेंट अगर देखें तो सीविंग मशीन ऐसे भी हो चुके हैं जो सीविंग मशीन्स जिसके अंदर इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऐसे कंपोनेंट्स लगा दिए हुए हैं कुछ सेंसर्स इंप्लीमेंट कर दिए कर दिया हुआ है सच दैट द मशीन इट सेल्फ गिव्स डायरेक्शंस टू द स्टीचर जो भी उस मशीन को ऑपरेट करता है मशीन खुद ही उसे अपनी इंस्ट्रक्शंस uh, देता है सो so, हम कह सकते हैं कि जो इस एरा में जो मॉडर्न सिविंग मशीन है वो बेस्ट एग्जांपल है मेकाट्रॉनिक्स का हमारा डिस्क ड्राइवर राइट ना हमारे कंप कंप्यूटर के कैबिनेट में जो डिस्क ड्राइवर होता है हमारी जो सीडी होती है सीडी को हम उसके अंदर इंसर्ट करते हैं और उसके बाद सीडी के अंदर जो भी डेटा होता है वो हमें स्क्रीन के ऊपर दिखने लग जाता है राइट ना मतलब कि कहीं पर कोई डेटा डिजिटल फॉर्म में सेव होता है उस डिजिटल डेटा को रीड किया जाता है और उसके बाद हमें आउटपुट में हमें कुछ बातें कुछ इमेजेस कुछ वीडियोस दिखते हैं राइट सो दैट इज नथिंग बट एन एग्जांपल ऑफ मेकाट्रॉनिक सिस्टम वेंडिंग मशीन हमने बहुत सारी ऐसे मशीन्स देखे हैं कि जहां पर हम कुछ इंसर्ट करने के बाद इनपुट देने के बाद हमें आउटपुट मिलता है राइट ना जैसे कि कॉफ़ी मशीन ले लो कॉफी वेंडिंग मशीन सोडा वेंडिंग मशीन नंबर ऑफ एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं या फिर हम अगर उसके अंदर कुछ इनपुट देते हैं राइट या तो बटन दबाएं या फिर आ, अगर ऐसा कपल किया हो कि उसके अंदर पाँच का कॉइन डालने के बाद हमें कुछ आउटपुट मिले तो दैट इज़ नथिंग बट एग्जाम्पल ऑफ मेकाट्रॉनिक सिस्टम नौ दिस एग्जाम्पल स्लाइडिंग डोर द मोशन ऑफ द कमिंग पर्सन इज सेंस्ड बाय समोर ऑटोमेटिकली ओपन राइट ना जो लिफ्ट होती है लिफ्ट की भी डोर देख लो अपने आप बंद होती है अपने आप खुल जाती है सो दट इज नथिंग बट अमेकाट्रॉनिक सिस्टम ऑटो गैरेज ओपनर यू जस्ट प्रेस अ बटन एंड द

बेनिफिट्स क्या थे क्यों इसे हम यूज़ करने लगे उनसे हमारा क्या फ़ायदा हुआ व्हाट वेयर द बेनिफिट्स ऑफ मेकाट्रॉनिक्स सो द वेरी फर्स्ट बेनिफिट वाज इट गेव मी इन्हांस्ड फीचर फंक्शनैलिटी अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो द प्रेजेंट सिचुएशन इज अ कम्पटिटिव वर्ल्ड अगर एज अ कॉम्पिटिटर अगर मैं कोई मैनुफैक्चर हूँ तो मैनुफैक् क्चर ऑलवेज इंटेंस टू गिव अ वेरी फंक्शनल प्रोडक्ट और वेरिएबल प्रोडक्ट राइट ना आजकल के कस्टमर्स की डिमांड है कि उन्हें वेरिएबल प्रोडक्ट्स मिलनी चाहिए अलग अलग फीचर्स के साथ में और अगर मैनुफेक्चर मैनुफैक्चर कस्टमर्स की इस डिमांड को फुलफिल करना चाहे तो उसे जो प्रोडक्ट है उसके अंदर हमेशा चेंज करना पड़ेगा राइट right? और इस चेंज को अगर हम सिर्फ मैनुअली करने की कोशिश करें तो दैट वुड हैव बीन वेरी टीडियस प्रोसेस राइट ना एक तो टीडियस उसके बाद टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता था तो मेकाट्रॉनिक्स के जो भी बेनिफिट्स uh, हैं उसके वजह से जो प्रोडक्ट हमारा मैन्युफैक्चर होता है उस प्रोडक्ट में अलग अलग फीचर्स हमें मिल जाते हैं सो वन ऑफ़ द बेनिफिट्स ऑफ मेकाट्रॉनिक्स इज़ वी गेट इन्हांसड फीचर फंक्शनैलिटी मोर यूज़र फ्रेंडली है ना अगर हम उस प्रोडक्ट को अलग अलग वेरिएट करते जा रहे हैं तो ऑब्वियसली हम यूज़र को फ्रेंडली बना रहे हैं उसकी एक्यूरेसी हम इतना डिटेल चेक कर ले रहे हैं कि हमारा जो डिज़ायर्ड कंपोनेंट है वो एक्यूरेटली मैन्युफैक्चर भी होता है एक एग्जांपल की तरह समझे हम रिमेंबर आज की डेट में हमारा अगर कोई भी प्रोडक्ट मैनुफैक्चर होता है तो उसके दो स्टेजेस होते हैं एक डिज़ाइन और बाद में फिर मैनुफैक्चरिंग आजकल इंडस्ट्रीज में अगर जो डिज़ाइनर है उस कंपोनेंट को पहले डिज़ाइन करता है उसके बाद अनालाइज करता है विद द हेल्प ऑफ सिमुलेशंस राइट ना और उसके बाद फिर आ, देख लेता है कि जो उसका प्रोडक्ट है वेदर इट इज फंक्शनल और नॉट राइट सो बेस्ड ऑन हिस एनालिसिस वो उसके अंदर रिक्वायर्ड चेंजेस कर लेता है राइट right? अब अगर यही बात हम कुछ दिन पहले की करें तो पहले जो भी डिज़ाइनर था वो डिज़ाइनर उस कंपोनेंट को डिज़ाइन करता था उस कंपोनेंट को मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेजता था शॉप फ्लोर पे फर्स्ट बैच ऑफ प्रोडक्शन होने के बाद उसका जो फंक्शनलिटी है वो चेक होती थी राइट right? थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग और ऑफ कोर्स अगर हमारा प्रोडक्ट बन रहा है और फर्स्ट बैच ऑफ प्रोडक्शन हो चुका है उसके बाद अगर हम हमारा मैन्युफैक्चरिंग uh, प्रोसेस में कुछ चेंजेस करें तो दैट वुड बी अगेन अ वेरी कॉस्टली प्रोसेस एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस दैट मीन्स कि हमारा जो कंपोनेंट uh, है वो तैयार हो रहा है वो बहुत एक्यूरेट तैयार होगा राइट सो दिस में बी कॉइंड एज द थर्ड बेनिफिट ऑफ मेकाट्रॉनिक्स मूविंग फॉरवर्ड अगर हम ये सब कर रहे हैं तो ऑबियसली हम कॉस्ट इफेक्टिव हैं एंड हमारा डिज़ाइन फ्लेक्सिबल है रीप्रो प्रोग्रामेबल है राइट right? बात समझिए कि द मॉडर्न इंडस्ट्री इज यूजिंग सी एन सी मशीन्स एट एवरी पॉइंट राइट ना हर एक कंपोनेंट को मैनुफैक्चर करने के लिए एक एग्जाम्पल की तरफ से समझ लें तो सी एन सी मशीन्स को यूज़ कर रहे हैं हम ना सी एन सी मशीन्स कैसे वर्क कर रहे हैं कि एक कंट्रोल पैनल है कंट्रोल पैनल के अंदर हम कुछ प्रोग्रामिंग करते हैं प्रोग्रामिंग के वजह से जो भी हमारा टूल है और कंपोनेंट है उनको हम सेट करते हैं और उसके बाद हम मनुफैक्चर करते हैं राइट right? सो so, दैट इज़ री प्रोग्रामेबल अगर हमें लगता है कि हमारा कंपोनेंट तैयार नहीं हो रहा है तो उसके अंदर हम थोड़े से प्रोग्रामिंग uh, में चेंजेस करते हैं और उसके बाद फिर उसे मैनुफैक्चर कर लेते हैं सो द मेकाट्रॉनिक्स गिव्स अ बेनिफिट ऑफ फ्लेक्जिबल डिज़ाइन एंड ऑफ कोर्स डूइंग ऑल दिस इज़ अ सेफर थिंग सो दीज आर ऑल बेनिफिट्स ऑफ मेकाट्रॉनिक्स मूविंग फॉर्वर्ड एक्चुअली एक मेकाट्रॉनिक सिस्टम अगर होता है तो ये मेकाट्रॉनिक सिस्टम तीन कंपोनेंट्स को यूज करता है वी कैन ओनली से दैट अ मेकाट्रॉनिक सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ थ्री कंपोनेंट्स दैट इज सम कंपोनेंट्स टू कंट्रोल समथिंग टू सेंस एंड समथिंग टू टेक एक्शंस हमें कुछ कंट्रोल करना होता है हमें कुछ सेंस करना होता है और अकॉर्डिंगली हमें एक्ट करना होता है और इन सब ये सब बातें करने के लिए हमारे पास कुछ कुछ कंपोनेंट्स होते हैं इन कंपोनेंट्स का यूज़ करके हम इस मेकाट्रॉनिक सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं राइट जैसे कि बेस्ट एग्जांपल अगर हम कहें कि हमारे कहीं पर जाने से डोर अपने आप ओपन हो जा रहा है दैट मीन्स वो हमें सेंस कर रहा है राइट right? हमारे किसी फिजिकल अपियरेंस को वो मेजर करता है मेजर करने के बाद उसे एक डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद वो माइक्रो प्रोसेसर को भेजता है माइक्रो प्रोसेसर उसको वर्क करता है और अकॉर्डिंगली जैसा उसका फीडबैक आया है अकॉर्डिंगली वो कंट्रोल करता है उसके उसे दिए हुए प्रोग्राम आ, प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंगली वो एक्शंस लेता है एंड दैट एक्शन इज टेकन बाय सम मूविंग एलिमेंट सम प्राइम मूवर्स जैसे कि मोटर हो सकता है एसी डीसी या फिर हाइड्रोलिक कंपोनेंट एनीथिंग राइट तो एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं डेटा के ऊपर वर्क कर रहे हैं और डेटा के डेटा को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं राइट सो The mechanical system comprises of components such as control, component sensing, and then taking action on the component. Now, when we are, uh, when we are saying that these are the three components of a mechatronic system, then we can say that the modules of these components are sensing, control, and actions. इट right? जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा कि हमारे जाने से हमारा अपियरेंस सेंस हो रहा है सेंस होने के बाद उसका कन्वर्जन हो रहा है कन्वर्जन होने के बाद उसके ऊपर कुछ वर्क हो रहा है और वर्क होने के बाद फिर कुछ एक्शंस लिए जा रहे हैं सो दट इज द मॉड्यूल्स ऑफ मेकाट्रॉनिक सिस्टम सो The sensing is done with the help of sensors. Sensors sense करते हैं, उन signals को convert करते हैं in uh, digital form and those converted data is worked with the help of microprocessors. उनके ऊपर controlling actions ली जाती हैं, उन actions को जो microprocessor होता है, जो controller होता है, वो हमारे Uh, जो एक्चुएटर्स होते हैं होते हैं एक्चुएटर्स एक्चुएटर्स को वो उस हिसाब से फीडिंग देता है वर्क करने के लिए एक्शंस देता है और दैट एक्शंस आर टेकन विद द हेल्प ऑफ सम डिवाइसेस तो हमें मेकाट्रॉनिक सिस्टम में जो करना है दैट इज़ वी हैव टू स्टडी ऑल दिस सेंसिंग एलिमेंट्स वी हैव टू स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स कंट्रोलर्स एंड द एक्चुएटर्स इन सब बातों को हमें स्टडी करना है राइट सो इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वट वी हैव सीन वी हैव सीन द बेसिक्स ऑफ मेकाट्रॉनिक्स वी हैव डिफाइंड मेकाट्रॉनिक्स आगे हमने मेकाट्रॉनिक्स के मॉड्यूल्स देखे हमने मेकाट्रॉनिक्स के बेनिफिट्स देखे हमने मेकाट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स देखे राइट एंड वी विल डील विद दर्दर कंटेंट इन द coming lectures. Till then, thank you.